दोषियों को ना पकड़ना ही पुलिस की नाकामी है। पुलिस इसमें एक्शन नहीं लेना चाह रही क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि उन्हीं के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं और वो आगे आएंगे तो पुलिस की कहीं ना कहीं बदनामी होगी। न्याय हमें नहीं लगता कि अगर पुलिस के पास ही जो जिसने हत्याकांड किया है वही दोषियों को पकड़ने का काम भी उन्हें दिया जाएगा तो न्याय हमें नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं इसमें CBI CID की जाँच बैठे, लेकिन समर्थनों से ही ये हत्याकांड किया गया है। अगर समर्थन नहीं होता तो पुलिस कैसे किसी को उठा के इतनी बेरहमी से मारपीट कर सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या उम्मीद करें हम, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय करने वाले ही इसमें क्या कहते हैं दोषी हैं तो न्याय कैसे मिलेगा? आवश्यकता परिषद यहाँ के सब लोगों से मिलकर आवश्यकता पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी और परिवार को मुआवजा दिया जाए, परिवार को सुरक्षा प्रदान कराई जाए, तभी न्याय मिल सकेगा। बच्चा तो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन जो घिनौना कृत्य पुलिस के लोगों के द्वारा किया गया है, भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति पुलिस इस प्रकार के दुस्साहस न कर सके, इसलिए कड़े से कड़ा दंड देने की आज आवश्यकता। नहीं, अभी मेरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 302 में मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन अज्ञातों के खिलाफ हुआ है। जब मेरा ये कहना है कि निलंबन की कार्रवाई हुई है, प्रथम दृष्टता में जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये लग रहा है कि हत्या हुई है, थाने के अंदर हत्या हुई है और इसी बात पर उन्होंने निलंबन किया है, जो निलंबन किया है तो नाम भी खुल जाने चाहिए, कौन लोग दोषी हैं इसमें और जांच करें। और इतना बड़ा जघन्य अपराध आगरा के इतिहास में किसी पुलिस थाने में नहीं हुआ जितना इस वक्त पर हुआ है। हम तो मांग करते हैं कि जिन लोग पुलिस कर्मचारियों ने अधिकारियों ने राजू गुप्ता की हत्या की है उनको तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश मिलना चाहिए कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून के अनुसार कानून भी कार्रवाई करे।